बोले सत्यवादी लोकदेव वीर कुंवर तेजाजी महाराज की। बोले भारत माता की। और आइए अगले उद्बोधन में हमारे विशिष्ट मेहमान आदरणीय अजय सिंह किला माननीय मंत्री राजस्थान सरकार। सब ही ठोड़ कलयुग प्रजा सातरा तेजल सब सिर होड़। आज जगह जगह तेजा जी ने आपा याद कर रिया और आज को कार्यक्रम वीर तेजा जी महाराज को मूर्ति के अनावरण में मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित सभी सम्माननीय माताओं बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों मंच पर विराजमान परम सम्माननीय गोपाल दास जी महाराज राधा किशन जी महाराज आदरणीय सी आर चौधरी साहब आदरणीय रिछवाल जी मिर्दा साहब आदरणीय मांगीलाल जी साहब आदरणीय रूपाराम जी साहब आदरणीय बिरदाराम जी साहब और पंचायत समिति का मां का उपप्रधान जी नगर पालिका के अध्यक्ष राधा किशन जी और भामाशाह बाबूराम जी भामाशाह राम सिंह जी भामाशाह सुखराम जी भामाशाह शरवण जी और इस आयोजन के हरसुख जी पूनिया साहब और इस पूरे आयोजन के सूत्रधार वीर तेजा समिति के अध्यक्ष मोती जी और पूरी कार्यकारिणी के सम्माननीय सदस्यगण आप सभी का मंत्री के नाते विधायक के नाते जितने भी बाहर से अतिथि आए मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मेरे से पहले पूर्व विधायक जी ने उद्बोधन दिया रूपाराम जी ने उद्बोधन दिया सबकी मनशा एक थी सबकी मनशा है कि हम मिल करके कुछ करें। वो कहते हैं ना कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा जमीन नहीं है मेरी मंजिल अभी है पूरा आसमां बाबा। मैं इस मौके पर सबसे पहले बाबूराम जी का और हमारे जो भामाशाह सुख जी का राम सिंह जी का शरवण जी का तेजा राम जी का सबका हार्दिक स्वागत करता हूं बधाई देता हूं और जो भी भामाशाह है मेरा उनसे लगातार संपर्क मैं हूं उनके और बाबूराम जी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि समाज की कभी भी कोई बात आती है कभी भी सहयोग की बात आती है तो वो हमेशा आगे रहते हैं। मैं ऐसे दानवीरों को समाज के ऐसे बेटों का नमन करता हूं और बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। साथियों आज इतने सालों के बाद भी हम तेजा जी को याद करते हैं। सत्यनिष्ठ तेजा जी न्याय के लिए मरने वाले तेजा जी। साथियों याद रखो मरता आदमी है जो खुद के लिए जीता है वो मरता है लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वो कभी नहीं मरता उसका हमेशा हमेशा स्मरण होता है उसको हमेशा हमेशा याद किया जाता है। वो कहते हैं जरूरी नहीं कि सजदे में हर वक्त खुदा का नाम आए जरूरी नहीं कि सजदे में हर वक्त खुदा का नाम आए। अरे जिंदगी तो खुद एक इबादत है बस शर्त यह है कि यह दूसरों का काम है। और तेजा जी ने यही संदेश दिया कि वो किसी एक जाति के नहीं थे 3600 कौम के वो थे। और मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि हसौर में जो एक अलग तरह का जो मंदिर हमारे तेजा जी का बनाया है इस मंदिर की कलाकृति को अगर देखो दक्षिणी भारत शैली पर यह आधारित है और आप इसको देखो तो यहाँ आसपास जहां भी मैंने मंदिर देखे हैं तेजा जी के सबसे अलग से हटकर के मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर के इसको ऐसा स्थान बनाएं जहां 3600 कौम बैठ करके यहां पर आए इस तेजा जी के मंदिर में और इसका आगे हम इसको बढ़ाएं। आज मंच पर सी आर चौधरी साहब बैठे जब तेजा जी का नाम आता है तो
तो लीलण का भी नाम आता है, लीलण घोड़ी का भी नाम आता है। और मुझे गर्व है कि सीआर चौधरी साहब ने जयपुर से जैसलमेर चलने वाली ट्रेन का नाम पीछे पड़ के उन्होंने कराया, लीलण एक्सप्रेस। जोरदार तालियां। आज मुझे बताइए, वो जयपुर से जैसलमेर चलती है ट्रेन, कई जने जानते हैं, कई जने नहीं जानते। जो नहीं जानते वो पूछते हैं, अरे भाई वो लीलण का ही है, वो हमारे इतिहास के बारे में फिर जानकारी उनको होती है, तब उनको पता पड़ता है कि किस तरह की धरती सूरों वीरों की धरती यहाँ पे रही है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि मिल करके हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप इतनी संख्या में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मेला आपकी जो समिति है उन्होंने घोषणा की है मेले के बारे में, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जब भी इसकी मेले की घोषणा होए, सब समाज के, सब पार्टी के लोग यहाँ पर आए। और मैं समिति से मेरा आग्रह है कि जो भी आए उसका जोर शोर से सम्मान होना चाहिए, ताकि हमारा दायरा इस तरह से बढ़े। मिल बैठ करके अपने समाज के बारे में हम अच्छी बात करें, कुरीतियां हैं उनको हटाएं, और किस तरह से नई दिशा हम समाज को दे सकते हैं, कैसे हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, हम आगे बढ़े। अभी मंच से जो घोषणा हुई है, और वो कहते हैं ना कि चिड़ी चौंच पर ले गई नदी घटे ना नीर, धर्म करियां धन नहीं घटे, कह गए दास कबीर। और मेरा ये मानना है कि इसके बारे में कोई होड़ नहीं होनी चाहिए। जिसके पास में है वो दे। बाबू राम जी को भगवान ने ज्यादा दिया है, ज्यादा दे, और वो ज्यादा देते हैं, तो सभी करें। मैं भी एक आग्रह है मेरा भी कि मेरे से भी मैं आपको व्यक्तिगत रूप से, मैंने विधायक कोष से 10 लाख रुपए देने की यहाँ पे घोषणा की भी है, जो विधायक कोष से लग सकता है तो आप लगाएं, और भी अगर जरूरत पड़ेगी तो राज्यसभा के सदस्यों से ला करके इसको बनाएंगे। और मैं मेरी तरफ से 2 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूँ, 2 लाख रुपए आपको। बोले लखदाता की। अंत में मैं 4 लाइनें सबके लिए कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं, राजस्थान से भी, दूर दूर से भी हम आए हैं, और सब जातियों के 3600 को मेरा यह कहना है कि जहां समाज की बात आए, अभी एक बच्चे ने बात कही फौज की बात, जहां समाज की बात आए, जहां राजस्थान की बात आए, जहां देश की बात आए, हमेशा आगे रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि वोटों पे गीता दिल में कुरान रखेंगे, वोटों पे गीता दिल में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाएंगे भाईचारे का ऐसा अमन व ईमान रखेंगे। काशी होगी काबा होगा, मगर निगाहों में सबसे पहले हिंदुस्तान रखेंगे, हिंदुस्तान रखेंगे। अंत में मैं सब समाज के लिए कह रहा हूँ कि अच्छे काम के लिए हमेशा एक, अगर अलग अलग रहोगे, अगर हमारे में एकता नहीं रहेगी, तो हमारा समाज, हमारा राजस्थान, हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर सकता। आप सुनना, मैं 5 लाइनें आपके लिए बोल रहा हूँ। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर है। अकेले हम धागा हैं, मिल जाएं तो चादर है। अकेले हम कागज हैं, मिल जाएं तो किताब है। अकेले हम अल्फाज हैं, मिल जाएं तो जवाब है। अकेले हम पत्थर हैं, मिल जाएं तो इमारत है। अकेले हम पूजा हैं, मिल जाएं तो इबादत है। और जब इबादत होती है तो 3600 कौम, हम जब सब साथ मिल करके जब भगवान से इबादत करते हैं, एक पूजा करते हैं, तो आप मानिए कि भगवान भी उसको कबूल करता है, भगवान भी हमें सफलता प्रदान करता है। अंत में एक बार फिर आपके समिति का, जो भामाशाह बाबूराम जी और सब जो भामाशाह, उनका मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। अंत में आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, जय जय तेजा जी, जय जय हरसोर, जय जय राजस्थान, जय जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत अभिनंदन कि जले दीप फूल में के चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे, जरा मुस्कुरा दो। बहुत आभार।